अस्सलामुअलैकुम। आज इतवार, मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़रान और आज इतवार का दिन है और आज मैं आया हूँ सदर रिगल चौक पे, जहाँ किताबों का स्टॉल लगता है। पुरानी किताबें ख़ासतौर पे यहाँ पे बहुत अच्छी कीमत में मिल जाती हैं। मैं और मेरे दोस्त गौर अली लोधी साहब, और हमारा काफ़ी दिन से ये प्लान था कि हम लोग आएँगे यहाँ पर, लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हो गया। और गौर भाई भी मेरे साथ हैं और अभी हम लोग यहाँ की सैर करेंगे और किताबें वगैरह देखेंगे। जी गौर भाई, जनाब कैसा लग रहा है? आया हूँ। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं जी, कैसा लग रहा है आज? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों से हम लोग सोच रहे थे, कितने महीने हो गए जनाब, प्लानिंग कर रहे थे कभी क्या मसला और कभी क्या मसला जनाब, और आखिरकार हम लोग यहाँ पे आ गए जी। और यहाँ आने के बाद मायूस नहीं हुए, बल्कि बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जितनी भी किताबें मैंने देखी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी, और कराची के बारे में बड़ा काफ़ी इनके पास बुक्स हैं कराची के बारे में, जो ओल्ड कराची हमारा हुआ करता था किसी दौर में, सही, जबकि मतलब इंशाल्लाह इनके पास ऐसी बुक्स हैं जो आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि कराची कैसा था। जी जी बिल्कुल सही, जबरदस्त। चले आए जी, देखते हैं जी, आगे चलते हैं आज। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मेरे साथ है मोहम्मद अलियास साहब, और अलियास साहब ने यहाँ बुक स्टॉल लगाया हुआ है किताबों का, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अलियास साहब, कितना अर्सा हो गया आप यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? मैं जनाब तकरीबन गुज़श्ता 27 साल से जनाब यहाँ किताबें डिस्प्ले कर रहा हूं, नई किताबें यहाँ रिगल चौक पे हर इतवार को लगाते हैं आप? जी हर इतवार। अच्छा माशाल्लाह 27 साल हो गए आपको, तो इन 27 सालों का सफ़र कैसा रहा? 27 सालों का सफ़र तो अच्छा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ बैठे बैठे तकरीबन 200 टाइटल पब्लिश किए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, सही। तो माजी में किताबें लेने वालों की क्या सूरत हाल थी, कितनी किताबें रोज़ाना बिक जाती थी, और अब क्या सूरत हाल है? माजी में तो मतलब एक ट्रेड था, एक कारोबार था जी, और अब ये आदत सी हो गई है कि हम सोचते हैं कि अब यही करना है जो टाइम बाकी है, सही, तो इसलिए आ रहे हैं, हर बार को ड्यूटी कर रहे हैं। सही। अच्छा आप खुद भी पढ़ते हैं? खुद किताबें पढ़ते हैं जो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा आप एक किताब पढ़ रहे थे, काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा था जी जी, तो बस वो पढ़ने से शुरू हुआ था, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते ये जब एक रोज़गार बन गया तो फिर जी पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर हो गई। ठीक ठीक ठीक, यानी कि आपका शौक़ भी है किताबों से? जी जी, इश्क है जी। ठीक है माशाल्लाह, इस तरह के लोग बहुत कम मिलेंगे, वो भी आज के दौर में जो मोबाइल का दौर कहलाता है और जो किताबों से इश्क करते हैं और किताब दोस्त कहलाते हैं। जी जी सर, गौर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं क्या कहना चाहूँ, मेरी खुशी की तो बड़ी इंतहा है, मेरे साहब मिले हैं मुझे इलियास साहब जी जी, और मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र के उस हिस्से में मिले हैं, सब मेरा छलछलाव है जी जी, ये पहले मिलते सही तो मुंह बिगड़ती है हमारी, लेकिन अब भी जब तक हैं इंशाल्लाह मुझे मिलाते रहेंगे। सही माशाल्लाह, ये बुक मैंने बड़े खुलूस से ये दे रहे हैं और बल्कि गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैं भी इस काबिल रहूँ कि मैं इन्हें इंशाल्लाह कोई ना कोई गिफ्ट ला के दूँ। सच्ची बात तो ये कि इनकी किताब दोस्ती से है ना बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बल्कि ये कहें कि मैं गर्विदार हो गया। बिल्कुल सर, ये इस उम्र में और ये शौक, बिल्कुल सर माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत आला जनाब। जी ये हैं परवेज़ मुशर्रफ़ की वो मशहूर ज़माना किताब, जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से, आज यहाँ स्टॉल पे हमें मिल गई है ये, इन द लाइन ऑफ फायर, उर्दू में सबसे पहले पाकिस्तान।
जी भाई, क्या नाम है आपका? वसीम भाई। वसीम भाई, कितना अर्सा हो गया स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं आप? ये तो काफ़ी अर्सा हुआ है जब से ये बिल्डिंगें बनी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो आपके पास ज़्यादातर कौन सी किताबें हैं, उर्दू की, इंग्लिश की? ज़्यादातर उर्दू की है हमारे पास। अच्छा, उर्दू की है। तो किस तरह के लोग वगैरह आते हैं लेने के लिए? तो आते हैं बूढ़े लोग ज़्यादातर आते हैं। अच्छा अच्छा, जवान भी आजकल देखते हैं पुरानी। सही है। तो आपके पास सिर्फ पुरानी किताबें ही हैं या नई और पुरानी दोनों हैं? नई भी साथ है लेकिन पुरानी ज़्यादा है। अच्छा, पुरानी ज़्यादा। ज़्यादा कौन सी चलती हैं? ज़्यादातर ये तारीख पुरानी तारीख ही जो है सारे कुछ पुरानी तारीख ही ज़्यादा चलती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ पुरानी किताबें ही मिलती हैं बल्कि यहाँ आपको नई बुक भी मिलेंगी और कुछ नायाब किस्म की किताबें भी आपको मिल सकती हैं। पर यह कि आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी।